हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। सो जब भी कोई फेस्टिवल आने वाला होता है तो हम अपने फेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। पार्लर जाते हैं और फेशियल कराते हैं, फेस क्लीनिंग कराते हैं और घर पर ही फेस मास्क वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने हैंड्स और फीट के बारे में सोचते भी नहीं हैं, उनका ख्याल भी नहीं आता हमारे दिमाग में। पर आज मैं बात करूँगी पेडिक्योर के बारे में, लेकिन उसके लिए आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो मैं घर पर बताऊँगी कि आपको कैसे घर पे ही पेडिक्योर करना है। जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करने वाली हूँ वो सबके घरों में होते हैं, आपके पास भी होंगे, बहुत ईजी से हैं और यूज़ होते हैं रोज़, तो आपको बहुत ईजीली वो मिल जाएंगे। उसके लिए भी आपको ना कोई खर्चा करने की ज़रूरत है और ना ही मार्केट जाने की ज़रूरत है। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, पर एक बात का खास ख्याल रखें कि इस वीडियो को स्किप नहीं करना, किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना है। सारे स्टेप जो मैं बताऊंगी सारे आपको फॉलो करने हैं अच्छे रिजल्ट के लिए, और 1 वीक में आप एक बार इसको ज़रूर करें, जिससे आपको कभी भी फीट में जो टैनिंग होगी, स्किन डल हो जाती है, डबल कलर हो जाता है स्किन का, वो सब आपको कभी भी नहीं होगा अगर आप इसे परमानेंटली करते रहेंगे। तो अगर ये मेरी वीडियो से आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करें कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो और कैसा रिजल्ट आपको मिला है। तो चलिए चलते हैं और जान लेते हैं कि कैसे करना है पेडिक्योर करते हैं। तो मेरे फीट्स पे ये थोड़ा डर्ट, ये जो थोड़ा निशान है, डबल कलर है स्किन का, कैंडल का निशान, वो आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊँगी रिजल्ट कैसे ये सारा कुछ क्लीन होने वाला है बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरह। अब सबसे पहले हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में ल्यूकवॉर्म वाटर लेना है, जितना कि हमारी स्किन टॉलरेट कर सके उतना। तो मैंने ये लिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे लेमन, तरह से स्क्वीज कर लेना है। मैं एक लेमन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पैरों पे डर्ट ज़्यादा है तो आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने नेल क्लीनिंग का स्टेप स्किप किया है क्योंकि नेल क्लीनिंग सभी को पता होती है किस तरह से करना है। अगर मैं वो भी बता दी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने उसे स्किप किया है। इस तरह से एक लेमन मैंने ऐड करा और अब अपने फीट इसमें 10 मिनट्स के लिए डिप करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेन मिनट्स के लिए इसे डिप करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पहले से ही बहुत अच्छा फील होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करना, मैं इसलिए इसे 1 वीक में एक बार तो करती करती हूँ। चलिए 10 मिनट्स वेट करते हैं और जब अपनी वीडियो को वापस से कंटिन्यू करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, हमारा वाटर वाला फर्स्ट स्टेप तो चल ही रहा है, उसके साथ ही हम एक और चीज़ करते जाएंगे। जब तक 10 मिनट्स हमें वेट करना है, उसके लिए हम अपना नेक्स्ट स्टेप रेडी कर रहे हैं। ये 2 चम्मच चीनी लेनी है हमें एक बॉल में, और इसमें हमें इसमें भी लेमन ऐड करना है। हम इसे पहले से इसलिए करेंगे ताकि जो शुगर है वो थोड़ा मेल्ट हो जाएगा लेमन जूस के साथ। इस तरह से ऐड करना है, स्क्रबिंग में हेल्प देगा ये हमें। इसमें भी मैं एक लेमन यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से स्क्वीज करके इसको ऐड कर लेना है। ये हो गया 10 मिनट्स के लिए। इसके लिए भी हमें वेट करना है, और हमें करना क्या है वो मैं बताती हूँ। एक स्पून की हेल्प से इसको मिक्स करेंगे इस तरह से, और ये जो लेमन सीड्स इसमें आए हुए हैं उनको हम निकाल कर अलग कर देंगे, जिससे कि हमारी स्क्रबिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ये चीनी काफ़ी मेल्ट हो गई है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। और 10 मिनट्स भी हो चुके हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे अब। तो फ्रेंड्स, देखिए किस तरह से वाटर में डिप करने की वजह से मेरे फीट की जो भी डर्ट थी वो हट गई है, साफ़ हो गई है।
और अब स्क्रबिंग करेंगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने चीनी और लेमन का ये पेस्ट बनाया था इसको घोल करके इसको हमें यूज़ करना है। ये वापस से हम इसे एक लेमन की हेल्प से इस तरह से स्क्रबिंग करेंगे इसकी हम ठीक तरह से। ये जो स्क्रबिंग का स्टेप है इसको तो आपको ज़रूर करना है क्योंकि ये मेन स्टेप है पेडिक्योर के लिए, फीट वाइटनिंग के लिए। इस तरह से हमें कर लेना है और ये हमें करना है फुल 5 मिनट्स तक दोनों पैरों पे। इस तरह से कर लें आप भी। और इसमें ही एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट मैं बता रही हूँ आपको, जो कि है बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा थोड़ा सा ही हमें लेना है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना फास्टली आपको अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, आपके फीट की क्लीनिंग कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है फीट वाइटनिंग के लिए, तो आप इसको ज़रूर ऐड करें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। 5-5 मिनट के लिए दोनों फीट पे मैं इसको कर लेती हूँ स्क्रबिंग, और उसके बाद में मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ किस तरह से ये इंस्टेंटली क्लीन कर देगा हमारे फीट को। और जो डबल स्किन है उसको भी ये धीरे धीरे, आप 1 वीक में अगर एक बार करते हैं तो पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। पूरी तरह नहीं तो 80-90% रिज़ल्ट तो आपको 100% देगा। तो ये देखिए 5 मिनट्स तक स्क्रबिंग करने के बाद कितना क्लीन कर दिया है मेरे फीट को ये सिर्फ लेमन और शुगर ने। लेमन और शुगर की स्क्रबिंग बहुत अच्छी होती है। लेमन में विटामिन सी होता है जो हमारे जो भी पैरों में डर्ट होता है उसको रिमूव करने में और हील करता है हमारी स्किन को, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये। आप देखिए मेरे हैंड से भी ज़्यादा फीट अभी जो है मेरा क्लीन दिख रहा है। तो अब आगे बताते हैं कि क्या करना है इस पर हमें। हमने जो लूकवॉर्म वाटर लिया था वापस से उसमें ये अपने फीट को इस तरह से डिप कर देना है और 5 मिनट्स तक फिर हमें ऐसे ही रखना है। इसमें जो भी डर्ट है वो पूरी तरह से निकल जाएगा और हमारी स्किन बहुत ही ग्लोइंग शाइन दिखेगी आपको, देखते जाइए आप बस। आफ्टर 5 मिनट्स हमें पानी से अपने पैर वापस बाहर निकालने हैं और एक क्लीन टॉवल से वाइप कर लेना है अच्छी तरह से। आप जब करेंगे ये सारा कुछ तो बाद में देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई है, जो भी डर्ट था, जो भी डर्ट स्किन थी वो रिमूव हो गया है और आपके फीट एकदम क्लीन दिखेंगे, फेयर दिखेंगे। अभी हमारा एक स्टेप और है जो है मॉइस्चराइजिंग। तो हमें अपने फीट को मॉइस्चराइज करना है कि ये ड्राई ना हो, उसके लिए मैं यूज़ करूँगी वैसलीन का कोको ग्लो लोशन। आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र है या लोशन है आप वो यूज़ कर सकते हैं, मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसकी स्मेल बहुत पसंद है इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। इस तरह से अपने फीट पर अप्लाई कर लें आप और इसको ऐसे ही छोड़ दें। सो गाइज, ये जो मेरी फीट वाइटनिंग टेक्निक थी, होप करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी और होप करती हूँ कि आप सब ये फॉलो ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ये लेमन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप अगर यूज़ करते हैं परमानेंटली इसको, हफ्ते में एक बार अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपके फीट जो होंगे हमेशा क्लीन रहेंगे, हमेशा शाइन और सॉफ्ट रहेंगे।
तो आपको इसे ज़रूर फॉलो करना है, और उसके बाद में कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं भी अपना एक्सपीरियंस, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी और आप उनमें से कोई वीडियो मिस ना करें, इसलिए आपको नोटिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच गाइज़।